Hello students, welcome back to the EduExcel channel and e-learning platform which is an initiative by YEC at Tech Private Limited. This is your mentor Abdul Ahad aur aaj main aapke liye lekar ke aaya hu class 10th ke first chapter life process ke kuch PYQs jo ki 2023 mein aaye the. To 11th entrance ke liye agar aap prepare kar rahe hain to ye aapke liye jo class 10th ka pehla chapter hai life process beta usse 5 questions aaye the year 2023 mein. To aaiye bina koi वक्त में देरी करें हम लोग देखते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस थे. ओके सो पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पर ये आया था बच्चों, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स. अब आपने ये पढ़ा है कि भाई हार्ट के जो होते हैं वो 4 चैम्बर्स होते हैं. एक रफ डायग्राम में इस तरीके से यहां पर बना रहा हूं, ठीक है. इस तरीके से कुछ आपका हार्ट यहाँ पे मौजूद है और ये आपका राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर बॉडी से जो ब्लड आता है वो किसके जरिए से आता है, वेना केवा के जरिए से आता है. वेना केवा में भी हम लोगों ने सुपीरियर एंड इंफीरियर पढ़ा था, उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं. तो राइट एट्रियम में यहाँ पर क्या है, ब्लड आ रहा है और कहाँ से आ रहा है ये ब्लड, ये ब्लड बॉडी से आ रहा है बच्चों. ओके तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी ब्लड आ रहा है बॉडी से आ रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है. दूसरी चीज फिर क्या होती है, यहाँ पे वॉल्व ओपन होते हैं और ये ब्लड जो होता है वो नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है यहाँ से. ओके ब्लड इस जगह पर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा कहाँ पर, लंग्स के अंदर जाता है. लंग्स के अंदर क्यों जाता है, फॉर द ऑक्सीजनेशन जाता है. और यहां पर कौन सी पाइपलाइन लेकर के जाती है, यहां पे आपकी पल्मोनरी आर्टरीज लेकर के जाती हैं. पल्मोनरी आर्टरी आपका जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेकर के गई. खास चीज क्या होती है इन पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में कि दीज आर द ओनली आर्टरीज दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल द आर्टरीज दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे आर गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके ह्यूमंस के अंदर ये चीज होती है. अब क्या हुआ, लंग्स से फिर आपका ये ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, ये आपका जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है. और लेफ्ट एट्रियम में कौन लेकर के जाता है, आपका ये पल्मोनरी वेन लेकर के जाती है, ठीक है. और लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद अब ये ब्लड में, ब्लड इस तरीके से वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकल करके दोबारा से बॉडी में चला जाता है थ्रू एन आर्टरी कॉल्ड एज एओर्टा. तो इस तरीके से पूरा ये सर्कुलेशन होता है बॉडी, हार्ट और लंग्स के बीच में. तो अब हम दोबारा से अपने सवाल के पास पहुंचते हैं बेटा. तो क्या कह रहा है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड. तो ऑक्सीजन रिच ब्लड पहली बात आएगा कहां से, वो लंग से निकल करके आएगा. तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड किस तरीके से आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेकर के आ रही है और कहां पर लेकर के आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आ रही है. सो द करेक्ट आंसर विल बी लेफ्ट एट्रियम. एक बहुत खास चीज बताएं बेटा, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये सवाल तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. आपको क्या करना है, आपने यहां पर देखा कि कौन सा पार्ट हार्ट का जो है वो रिसीव कर रहा है, तो हमेशा याद करो भले ही लंग से आ रहा है या फिर बॉडी से आ रहा है, को दोनों ऊपर वाले पार्ट में यानी कि एट्रियम वाले पार्ट में ही आएगा. अगर बॉडी से आ रहा होता है तो राइट एट्रियम में आता है, अगर लंग से आ रहा होता है तो लेफ्ट एट्रियम में. वेंट्रिकल्स में डायरेक्ट ब्लड नहीं आता है, ना ही बॉडी से आएगा ना ही लंग से आएगा. इसमें क्या होता है, इस तरीके से एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है और वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, लंग्स में भी जा रहा है और बॉडी में जा रहा है. राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका पूरा बॉडी में पहुंचा देता है. ओके सो यू हैव टू लर्न लाइक दैट, ठीक है ना, कि इस तरीके से इतना, क्योंकि टाइम तो होगा नहीं आप इसको बैठ करके सोचें, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट. आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी. ह्यूमन किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो नेफ्रॉन्स की बात अगर जान ली जाए तो बेटा नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, इनको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज कहा जाता है. तो इस तरीके से कुछ यहां पर इसका ये स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज बोवेंस कैप्सूल और यहां पे आपका डीसीटी पीसीटी. ओके और इस तरीके से आपका यहां पे कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है जिसमें ग्लोमेरुलस होता है. ये सारी चीजें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके हैं, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ पे सवाल देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है किडनीज के अंदर. सो अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक किडनी के अंदर बच्चों प्रेजेंट होते हैं. ओके सो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करने वाला है, इसमें समझने की ऐसी इस तरीके की कोई बात नहीं थी. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है,
द सेल ऑर्गेनल्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटीरियल, वो कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है जिनके पास खुद का अपना जेनेटिक मटीरियल मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है बेटा, ये इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए डाल दिया क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्लास्टिड्स के बारे में, तो उसमें मैंने जब आपको पढ़ाया था क्लोरोप्लास्ट, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ाया था और फिर रेस्पिरेशन में मैं आपको पढ़ा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये दोनों ही के पढ़ाते के टाइम मैंने आपको बताया था कि ये दो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि अपना डीएनए भी होता है और अपना जो है वो राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये खुद ही जो है वो प्रोटीन को अपने सिंथेसाइज कर देते हैं और इसी वजह से इसको जो है इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता था, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहा जाता था। ठीक है ना, ऑल्दो ये सेल में भी क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना, बट मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था आपको फोटोसिंथेसिस में और माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में, तो ये सारी चीजें आपको उस टाइम ही बताई थी, सो यू हैव टू यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दैट फ्रॉम द लेक्चर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि अपना जेनेटिक मटीरियल किसके पास होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस व्हिच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम द आउटसाइड। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसने इस्तेमाल किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड उसने इस्तेमाल किया, उसने वाटर इस्तेमाल किया, उसने इन सब दोनों चीजों को इस्तेमाल करके, सनलाइट का इस्तेमाल करके उसने ऑर्गेनिक फूड बना लिया, ग्लूकोज बना लिया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वही चीज पूछ रहा है कि ये सारे प्रोसेस तो उसने किया भाई साहब, लेकिन कौन सी चीज है जो कि उसने बाहर से नहीं ली। तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भाई बाहर से ली है उसने, हवा से ली, एयर से ली कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो लिया उसने वो कहां से लिया भाई साहब, वाटर उसने रूट्स ने एब्जॉर्ब करके दे दिया उसको। लाइट जो थी वो भी बाहर से ही आ रही थी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किसने करा, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करा था, ये क्लोरोफिल उसके पास प्रेजेंट था बेटा, तो यही एक ऐसी चीज है जो कि उसने बाहर से नहीं लिया। सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्योंकि 2023 में 5 क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से, सो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लिया था कि आपको थोड़ा सा पता चले कि हाँ भाई कौन से चैप्टर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एंट्रेंस के लिए। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या कह रहे हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ पाइरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो ये ब्रेकडाउन पाइरोवेट का आपको मैंने रेस्पिरेशन में बताया था, जिसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बताया था कि पहला स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था पाइरोवेट में, उसके बाद अब ये पाइरोवेट का इस्तेमाल, पाइरोवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है किस चीज से, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें हम लोगों ने दूसरे स्टेप में पढ़ा था दैट साइकिल इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइरोवेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी हैज बीन रिलीज। ठीक है ना, यहाँ पर कितनी अराउंड 36 एटीपी जो है वो रिलीज हो जा रही थी, 2 एटीपी आपकी ग्लाइकोलिसिस से रिलीज हो रही थी, तो इन टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन से हमारे पास 38 एटीपी आ रही थी। ठीक है ना, तो ये लेक्चर आप जरूर देखिएगा बेटा। तो अब ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये वाला प्रोसेस जो है, ये ब्रेकडाउन का सर जो आपने क्रेब साइकिल बताया, वो कहाँ पे होता है, तो क्रेब साइकिल बेटा आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से ही तो एनर्जी जो है, एनर्जी की ये करेंसी जो है वो जनरेट हो रही है। और ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करी जाए बेटा, तो ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है, ये प्लाज्मो, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर ही खत्म हो जाता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टू द पायरोवेट। फिर वो पायरोवेट पहुंचता है भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको मिलती है ऑक्सीजन, जो उसकी इतनी पिटाई करती है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में जो है वो तोड़ के रिलीज कर देती है। ठीक है बच्चों, तो यही चैप्टर, यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, जो कि ईयर 2023 में इस पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर से लेकर के इस फर्स्ट चैप्टर से आए थे, और इसी के साथ साथ मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा, आपसे डिस्कस करता रहूंगा, और इस तरीके से आप इसको साथ में जुड़े रहिए, इस चीज को देखते रहिए, क्योंकि अभी आपका जो है वो बोर्ड का रिविजन बैच भी लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कि आपकी फुल कंप्लीट लेक्चर्स जो है वो चलेंगे आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
केमिस्ट्री एंड बायो, ये सारा रिवीजन आपको जो है वो पूरी तरीके से यूट्यूब पे करवाया जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।